जमीन हड़पने की शिकायत करते हुए डीएम से लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद, इसको आम जन की बदकिस्मती कहें या प्रशासन की लापरवाही कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसके लिए गरीब किसानों की जमीन को जरूर हड़पा जाता है। ऐसे ही एक और ताजे मामले की अनुसार महानगर में घरेलू गैस सप्लाई करने के लिए मछरिया रेलवे फाटक से आगे चलकर ग्राम सैफपुर पल्ला में एक विशाल गैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए जानी मानी कंपनी गेल को ठेका दिया गया और गेल ने निर्माण की जिम्मेदारी अब टोरेंट कंपनी को सौंप दी है, जिसके तहत टोरेंट ने ग्राम सैफपुर पल्ला के निवासी कुछ लोगों से 30 अगस्त 2019 को गाटा संख्या 345 को खरीदा था, लेकिन अब कंपनी ने छल कपट व दबंगई के बल पर गाटा संख्या 346 की कुछ भूमि पर भी अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जिसको लेकर भू स्वामियों में लतीफ मकसूद, शहजाद हबीब बानो भूरी आदि में रोष जताते हुए बताया कि कंपनी ने छल से उनकी जमीन हड़प ली है। साथ ही अपनी बात कहने पर उनके साथ कंपनी के लोग मारपीट करते हुए दबंगई दिखाते हैं, इसी पर रोष जताते हुए पीड़ितों ने डीएम को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कैमरामैन नन्हे के साथ संजीव शर्मा एवं शाहिद हुसैन, ब्यूरो चीफ मुरादाबाद की रिपोर्ट। पहले सिरसा नागपुर पहले है ही रहते हैं और अब जब से हमें वहाँ प्लाट मिल गया हम वहाँ रह रहे हैं। और क्या कहना है, हमारी जो जगह है जो जितनी लिए इतनी के हकदार हैं, जितनी हमारी बच रही है इतनी के हम हकदार हैं, जो हमें उसका वो मिलना चाहिए, हमें जगह इतनी हटनी चाहिए। ना उन्होंने पैसा दिया हमें और ना कुछ करा, हमें ना पता ही। हाँ, हमारी नाराजी से हम एक दिन कब्जा करने आए तो हमें मानने को लिया, तो हम उतना हाथ छोड़ देते और उनका गला मान पकड़ कर हम मारते तो कितनी इज्जत रह जाती उनकी। ऐसा करना चाहिए फिर आदमियों को भी। रिजवान अली नाम है मेरा, सिरसा नागपुर में रहता हूँ, जिसमें हमने ग्राम सैफपुर पल्ला में 345 नंबर हमने बेचा था। 345 के बाद में 346 नंबर हमारा और निकला है, उस पर हमारा जबरिया कब्जा कर रखा है, वो हमने बेचा नहीं है। 346 नंबर किस चीज़ में, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? ये गैस लाइन वाले ये और कुछ लेडीज हमारे यहाँ की, एक हमारा गुंगा भैया गुंगा है, सब इन्होंने मारा, बाहर को निकाल दिया, बोला तेरा कुछ नहीं है, उसकी जगह भी है यहाँ पे। तो अभी कब्जा कर लिया अपनी, हमने डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दे रखी है। मिली आपको कोई तसल्ली नहीं मिल रही है? अभी क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारा फैसला हो जाए, हमारी जमीन हमें मिल जाए। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या समस्या है? मेरा नाम हरी सिंह साहब, सैफपुर पल्ला गांव का रहने वाला हूँ मैं। समस्या ये है, हमारा यहाँ हजारों बीघे जंगल का नुकसान हो रहा है, ये पानी निकालने का रास्ता ऊपर बना रहे हैं, जहाँ हमारा मानव मांग रहा है वहाँ नहीं बना रहा है। हमने इनसे कहा 30 फीट छोड़ कर बना लीजिए आप, या जो दूसरी फैक्ट्री बनी हुई है गैल इंडिया उसके मानव से बना है, तो उस मानव से ये नहीं बना रहे। उसके बावजूद हमने डीएम साहब को जो है एप्लीकेशन दी, डीएम साहब ने जो है बाढ़खंड अधिकारी को दी, बाढ़खंड अधिकारी हैं आदेश भी दे गए हमें रुकवाने के, फिर FRI बाढ़खंड अधिकारी ने थाने के लिए की, उसके बाद SDM साहब को की, मगर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। बात यह है, ये परेशानी है, हमारा हजारों बीघे जंगल का नुकसान है।